डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। Diversity in living world, diversity in living world का जो हमारी यूनिट फर्स्ट है diversity in living world, इसका हम पढ़ेंगे। इसके चार चैप्टर हैं, इसके चार चैप्टर हैं। द लिविंग वर्ल्ड पहला चैप्टर है इसका, द लिविंग वर्ल्ड। दूसरा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तीसरा है प्लांट किंगडम। चौथा है एनिमल किंगडम। हम सोचे कि ये चैप्टर इतना आता नहीं है, और ये चैप्टर जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इससे हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, लेकिन इसे बाद में पढ़ेंगे, सबसे आखिर में इसे पढ़ेंगे, पहले ये चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो, हमारे लिविंग वर्ल्ड को चार भागों में बांटा गया है, पांच किंगडम में बांटा गया है। पहला है पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटी, और पांचवा किंगडम है एनिमलिया। कौन सा किंगडम? मेरे साथ साथ बोलते चलिए। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी, और पांचवा एनिमलिया। तो हम शुरुआत करेंगे किंगडम मोनेरा से, किंगडम मोनेरा में आते हैं कौन से? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट हैं वो सभी इसी किंगडम मोनेरा में आते हैं। ठीक है, जितने भी यूनिसेलुलर हैं वो सभी किस में आते हैं? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट किंगडम मोनेरा में। जितने भी हमारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, कुछ भी, चाहे हमारे साइनोबैक्टीरिया हो या आर्की बैक्टीरिया हो या साइनोबैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया, वो सभी आते हैं किंगडम मोनेरा में। ठीक है, और इसी को हमें पहले पढ़ना है, तो इसको शुरू करते हैं एनसीईआरटी से, सही लाइन टू लाइन इसे हम शुरू करते हैं। देखिए, किंगडम मोनेरा में लाइन टू लाइन मेरे साथ रीड करते चलिए, जैसे मैं रीड कर रहा हूँ। बैक्टीरिया सोल मेंबर है, सोल मतलब मेन मेंबर, इसकी आत्मा कह लीजिए, या फिर समझिए कि इसी में मेन मेंबर जो क्या है, बैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा के सोल मेंबर बैक्टीरिया हैं। दे आर मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया हर कहीं पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट एवरीवेयर बैक्टीरिया हर कहीं पाए जाते हैं। इवन अगर तुम अपने हाथ को भी देखोगे, उसमें भी हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। जब जैसे हम बैठे होते हैं कहीं, हाथ धूल मिट्टी में हाथ सन जाता है, तो उस मिट्टी में भी हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। सही है, ये ऐसा नहीं है कि जैसे हम बहुत ही अच्छे हैबिटाट में रह लें, ये हर जगह पाए जाते हैं। जैसे कि एक्सट्रीम हैबिटाट, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियन, वेयर ए वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म, जहाँ पर बहुत कम लाइफ फॉर्म भी पाई जाती है, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियन, वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव, मैनी ऑफ देम लिव ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पैरासाइट की तरह रखते हैं, और पैरासाइट आपको तो पता ही है, दो तरीके के पैरासाइट होते हैं। कितने तरीके पैरासाइट होते हैं? दो तरीके के। एक
एक्टोपैरासाइट, एक होते हैं एक्टोपैरासाइट, दूसरे होते हैं इंडोपैरासाइट। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक्टोपैरासाइट की जैसे भी रहते हैं और इंडोपैरासाइट के जैसे भी रहते हैं। एक्टोपैरासाइट वो जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर अगर कोई ऑर्गेनिज्म रहने लगे इसे कहते हैं एक्टोपैरासाइट। इसके ऊपर कोई ऑर्गेनिज्म रहने लगे इसे कहते हैं एक्टोपैरासाइट, और इंडोपैरासाइट उसे कहते हैं कोई ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहने लगे, कोई ऑर्गेनिज्म इसे कहते हैं इंडोपैरासाइट। ठीक है, एक्टोपैरासाइट, इंडोपैरासाइट। और हार्स हैबिटाट, जैसे कि हार्स हैबिटाट जिसमें बताए गए हैं, हार्स हैबिटाट, सुनो ध्यान से मेरे साथ बोलते चलो, हार्स हैबिटाट थर्मल स्प्रिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, थर्मल स्प्रिंग हो सकते हैं, डेजर्ट है, स्नो, ऐसे माउंटेन पर देखते हैं ना कितनी सारी बर्फ होती है, तो वहाँ पर भी ये बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं। और डीप ओशियन, गहरे समुद्रों में भी, बहुत बहुत गहरी समुद्री खालियों और समुद्र होते हैं, समुद्र में उसके तट पर भी ये पाए जाते हैं, डीप ओशियन में भी। सही है, और आपको पता है मैनी ऑफ द हार्स हैबिटाट, हार्स हैबिटाट में रहते हैं। और अदर ऑर्गेनिज्म पर, अदर ऑर्गेनिज्म पर पैरासाइट की तरह भैया, अदर ऑर्गेनिज्म पर पैरासाइट की तरह रहते हैं, जैसे कि पैरासाइट बताया, एक्टो पैरासाइट भी होते हैं और इंडो पैरासाइट भी। ठीक है, बैक्टीरिया को इनके शेप के आधार पर चार कैटेगरी, बैक्टीरिया को उसके शेप के आधार पर चार कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, बैक्टीरिया को चार ग्रुप में डिवाइड किया गया है, कितने, चार ग्रुप में, बैक्टीरिया को चार ग्रुप में बांटा गया है, कितने, चार ग्रुप में, कि चार है, ठीक है, चार ग्रुप में बांटा गया। उन चार ग्रुप के नाम क्या है, देखो अगर स्फेरिकल है तो उसे कहेंगे हम बायोलॉजी के शब्द में कोकाई, कोकस, कोकस कहेंगे। अगर एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, तो कहेंगे कोकाई। अगर रॉड शेप है, रॉड शेप्ड है, तब कहेंगे बैसिलस। सही है, और वही पॉली है, जहाँ पर देखो अस शब्द इस्तेमाल करते हैं सिंगल के लिए और आई शब्द इस्तेमाल करते हैं प्लूरल के लिए, तो भाई पॉली हो गया तो वैसिलाई हो जाएगा। सही, और अगर स्पाइरल है, स्पाइरल शेप है, तब इन्हें कहेंगे स्पाइरुलम, स्पाइरुलम। और अगर कॉमा शेप है, इस तरीके का ना, कॉमा, कॉमा शेप ने, तब कहते हैं इसे बिब्रियो, बिब्रियो। देखो ये है कोकाई, स्फेरिकल कोकाई, और ये बैसिलस रॉड शेप। अच्छा एक बात, हमेशा ये जो पोर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ये बैसिलस फॉर्म में पोर स्पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये है स्पाइरिलम, स्पाइरिलम पर फ्लैजिला पाए जाते हैं। अब ये फ्लैजिला का नंबर वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, और कॉमा सेप देख रहे हैं आप, ये विब्रियो, कॉमा सेप्ड, कॉमा सेप जो है ना कहते हैं विब्रियो। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, जो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर होती है, बैक्टीरिया स्ट्रक्चर, दाउ द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर होती है बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, जैसे कि देखा है कि सीधे स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर जो होती है बहुत सिंपल होती है, बैक्टीरियल जो स्ट्रक्चर होती है, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर सिंपल होती है, बहुत ज़्यादा सिंपल, सिंपल होती है। जैसे तुमने देखा कि स्फेरिकल हैं, रॉड शेप्ड हैं, स्पाइरल हैं, ठीक है, या फिर कॉमा शेप्ड है, स्ट्रक्चर सिंपल होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर एज कम्पेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म। अगर हम किस बैक्टीरिया को एज ए ग्रुप लें, बैक्टीरिया एज ए ग्रुप, सो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मतलब बहुत ही ज़्यादा, अगर पूछेगी मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किसकी होती है, तो बैक्टीरिया की एज ए ग्रुप, एज ए ग्रुप पूछे कि बैक एज ए ग्रुप सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किसकी होती है, तो उसका एग्जाम्पल होगा बैक्टीरिया की। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, और देखो बैक्टीरिया दो तरीके के होते हैं, ऑटोट्रॉफ भी और हाइटरोट्रॉफ भी। बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया
वो ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, सही है, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफ भी। हेटरोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ भी बैक्टीरिया दो तरीके के होते हैं, एक तो कीमो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, और दूसरे होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। और हेटरोट्रॉफ मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया कैसे होते हैं, मेजोर आप कह दीजिए कि मेजॉरिटी बैक्टीरिया कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉफ होते हैं। मेजॉरिटी में जो बैक्टीरिया होते हैं, मेजॉरिटी में बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफ होते हैं। और देखो सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ, मतलब इस ऑटोट्रॉफ के होते हैं जो अपना फूड स्वयं बना ले उन्हें ऑटोट्रॉफ कहते हैं। तो दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड फ्रॉम, अगर देखो ऑटोट्रॉफ दो तरीके के, एक तो है कीमो ऑटोट्रॉफ, एक है फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ जैसे कि जो सनलाइट का इस्तेमाल करके और सॉयल से मिनरल न्यूट्रिएंट ले और फूड बना दे, उसे कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। लेकिन जो केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करे, जो सॉयल में नाइट्रेट नाइट्राइट पड़े उन्हीं का इस्तेमाल करके, सॉयल को या फॉस्फेट है सल्फेट है उनका इस्तेमाल करके न्यूट्रिएंट बनाए, उन्हें कहते हैं कीमोटोट्रॉफ। तो कहते हैं सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ, दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक, जो अपने अपना फूड इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट से बना लिया है, तो ये कौन हो गए कीमोटोट्रॉफ, कौन से हो गए ये, तो ये हो गए कीमोऑटोट्रॉफ, कीमोऑटोट्रॉफ। लेकिन और देखो दे में ये फोटो देखा है, ये इसमें भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी। लेकिन जो मेजॉरिटी बैक्टीरिया है ना, वास्ट मेजॉरिटी मतलब बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ क्या होते हैं, जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट हो, दे डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म या फिर ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। हेटरोट्रॉफ भी दो तरीके के होते हैं, देखो एक तो वो जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, ठीक है, और दूसरे जो डेड ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो, डेड ऑर्गेनिज्म पर या डेड फूड पर, ठीक है, उन्हें कहते हैं हम जो डेड ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं उन्हें कहते हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं उन्हें कहते हैं सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट जो डेड ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, अगर सेप प्लांट पर डिपेंड है तो सेप्रोफाइट कहते हैं, ठीक है, सेप्रो जो डेड ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं उन्हें कहते हैं सेप्रोफाइट। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक जो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहें या उसके अंदर रहें और उसे हार्म भी पहुंचाएं उन्हें कहते हैं पैरासाइट, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहें और उसे हार्म भी करें उसे कहते हैं पैरासाइट। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहे और उसे हार्म ना करे उसे कहते हैं सिम्बायोट, क्या सिम्बायोट, मतलब उसे भी फायदा पहुंचाए और खुद भी फायदा ले, इसे भी फायदा पहुंचाए और खुद भी फायदा ले, जैसे कि माइकोराइजा होता है ना, लेकिन माइकोराइजा में पाए जाते हैं फंजाई। और आते हैं देखो आर की बैक्टीरिया कहते हैं, आर की बैक्टीरिया पर, ठीक है, इस पर आर की बैक्टीरिया पर देखो, आर की बैक्टीरिया जो होते हैं वो आर्किबैक्टीरिया बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, बहुत ही ज़्यादा आर्किबैक्टीरिया बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। ये हॉट स्प्रिंग में भी पाए जाते हैं, ये साल्टी एरिया में भी पाए जाते हैं, ये मार्सी ग्राउंड या डंगे से कहते हैं गोबर, भैंस का या गाय का गोबर होता है उसमें भी पाए जाते हैं। जो हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स, लेकिन जो साल्टी एरिया में पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं हेलोफाइल्स, और जो मार्सी ग्राउंड या डंग पर या गोबर पर पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं मिथेनो जंस। आओ देखो एक पैरेंचाइटिस देखो, दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटाट सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरिया, हेलोफाइल्स इन्हें कहते हैं हेलोफाइल्स, साल्टी एरिया हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग में जो रहते हैं उन्हें थर्मो एसिडोफाइल्स, लेकिन जो मार्स एरिया में रहते हैं उन्हें कहते हैं मिथेनोजेंस। आर्किबैक्टीरिया डिफर होते हैं अदर बैक्टीरिया से इन हैविंग डिफरेंट सेल वाल स्ट्रक्चर, और यही फीचर है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, एंड दिस फीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम हैबिटाट, जो बहुत ही खतरनाक कंडीशन है जैसे कि साल्टी एरिया, हॉट स्प्रिंग, मार्सी ग्राउंड, इस सब में रहने के लिए जो इसका फीचर रिस्पॉन्सिबल है वो फीचर ही इसका सेल वाल है जो इसे अदर बैक्टीरिया से अलग करता है।
मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउ बफेलो एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस। और मीथेन गैस या बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए मिथेनोजेंस बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हैं। जो कहाँ पाए जाते हैं, फ्रॉम जो कहाँ मिलते हैं, डंग ऑफ जो काउ बफेलो का डंग या गोबर होता है, इसमें ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, बाहर की बैक्टीरिया पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।